वैदिक प्रार्थना भजन ईश्वर के सुनने से मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि भजन के माध्यम से लय होती है ना, शब्दों में शब्द और लय, तो मन क्या हो जाता है, एकाग्र। इधर इधर जो बिखराव, मन बिखरा होता है ना, सारा दिन 24 घंटे होते हैं, नींद में भी बहुत सारे मनुष्य स्वप्न, गहरी नींद तो कुछ घंटों के लिए ही आती है और वो भी किसी किसी को, सबको नहीं आती, ज्यादातर सब स्वप्न में ही। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा जो मन है वो 23 घंटे तो लगभग बाहर भौतिक पदार्थों में, भौतिक गतिविधियों में लगा होता है, तो उसका बिचारे का ध्यान वही है। अब वो उसको कहते हैं बिखरा हुआ मन, तो बिखरे हुए मन को समेटना पड़ेगा ना। जब ज्ञान, यहाँ आध्यात्मिक, ये ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक है आत्मा के लिए, भौतिक जो ज्ञान है और पदार्थ है वो सारे शरीर के लिए है, वो भी उपयोगी है, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा, पर वो क्या है, मात्र शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, शरीर के लिए, प्राण के लिए, बस प्राण को भूख और प्यास लगती है, आत्मा को तो नहीं लगती। तो आत्मा को भी तो कुछ चाहिए ना, आत्मा का भोजन, जैसे भौतिक पदार्थ शरीर और प्राण के लिए ईश्वर ने बनाए, बनाए ईश्वर ने है, क्योंकि वो भी आवश्यक है, पर आत्मा को शक्ति देने के लिए, आत्मिक भोजन के लिए भी तो कुछ है ना, चाहिए ना। तो आत्मा की सशक्ति के लिए, आत्मा का भोजन है वेदों का शुद्ध ज्ञान। तो वैदिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमारा ये जो मन बिखरा है उसको एकाग्र करें, ध्यान पूर्वक। ध्यान बड़ा कठिन से लगता है, मुश्किल काम है, मन को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल है ना। तो यहाँ इसीलिए यहाँ हम मन को एकाग्र करने की कला उसको सीखने ही आते हैं। जब मन एकाग्र हो जाएगा, अच्छे से ज्ञान सत्संग सुन लेंगे, फिर घर में जाके ध्यान में मन को एकाग्र कर पाएंगे, वरना मन लगेगा ही नहीं, ध्यान करना आएगा ही नहीं। हम समझते हैं, भ्रांति होती है कि हमने तो ध्यान कर दिया, पर वास्तव में वो ध्यान था ही नहीं, आंखें तो बंद कर दी, मंत्रों का यंत्रवत उच्चार भी कर दिया, पर उसका कोई लाभ ही नहीं मिला, क्योंकि मन तो बिखरा पड़ा था, मन एकाग्र था ही नहीं, तो उसका लाभ, ईश्वर से कनेक्शन जुड़ा ही नहीं। जब तक ईश्वर से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तो फिर ईश्वर के गुण हमारे अंदर उतरेंगे भी नहीं। क्यों नहीं उतरेंगे, क्योंकि ईश्वर पता है क्या क्या है, कैसा है, भर्गस्य तेज, ईश्वर कैसा है, भर्गस्य तेज, ये वेद के मंत्र का एक पद है, क्योंकि हमारा मंत्र तो अभी दूसरा चल रहा है, ये जस्ट में बता, तो भर्गस्य तेज है। अब ये ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव है, इसका अर्थ क्या बनता है कि ये जो मनुष्य के मन के ऊपर जितने भी दोष, दुरीताएं, गलत स्वभाव लगे पड़े हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए ईश्वर का भर्ग तेज, ईश्वर कैसा है, प्रकाश स्वरूप है, तेज स्वरूप है, अग्नि, ईश्वर का नाम अग्नि है ना, बहुत सारे बार ईश्वर को अग्नि के नाम से संबोधित करते हैं, तो क्यों, अग्नि क्या होती है, अग्नि क्या करती है, जला के भस्म कर देती है। तो ईश्वर का भर्ग क्या करता है, जब साधक, जब भक्त उपासना करने, ध्यान करने बैठता है सच्चे मन से, ध्यान सच्चा सही प्रकार से विधि पूर्ण ध्यान करता है, तब ईश्वर अपने भर्ग से उसके सारे दोष, उसकी सारी दुरीताएं, उसकी सारी गलत सब संस्कार नष्ट कर देता है, भस्मीभूत कर देता है। क्यों, क्योंकि मनुष्य का इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि वो अपने दोषों को, दुरीतों को नष्ट करे। नष्ट करना तो दूर की बात, मनुष्य तो इतना अल्पज्ञ है कि अपने दोष उसको दिखाई ही नहीं देते,
अब जब दिखते ही नहीं तो नष्ट करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो दिखेंगे कब? जब ध्यान पूर्वक, यहाँ वेदों का ज्ञान हम ध्यान से सुनते हैं, तब ज्ञान से क्या होता है? एक और ऋग्वेद का मंत्र है, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात ये एक ऋग्वेद का मंत्र का पद है, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या अर्थात ज्ञान। तो वेदों का ज्ञान ऐसा है जो विमुक्तये अर्थात मुक्ति दिलाता है। अब ज्ञान मुक्ति कैसे दिलाता है? जब ज्ञान मनुष्य ध्यान पूर्वक सुनता है, चिंतन मनन करता है, तब उस ज्ञान से उसका विवेक उत्पन्न होता है, ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है, विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य से हमारी जो बुद्धि है उसका विकास होता है, विकास अर्थात बुद्धि को निर्णय लेने की सामर्थ्यता बढ़ती है, उसको समझ आती है कि गलत क्या और सही क्या, तब वो विवेकी पुरुष गलत को छोड़ता जाता है और सत्य को ग्रहण करता जाता है, और इस प्रकार मनुष्य को वेदों के ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य गलत को छोड़ता जाएगा और सही को ग्रहण करता जाएगा, तब वो समझना कि वो मोक्ष मार्ग की यात्रा को आगे आगे अपनी यात्रा तय कर रहा है। ये एक जिसको कहते हैं विश्लेषण है, हम अपनी आत्मा का विश्लेषण, अपने स्वभाव का विश्लेषण इन चीजों से करते हैं कि हमारी उन्नति हो रही है कि हमारी अवनति हो रही है। अब उन्नति का तात्पर्य क्या है? अगर हम आध्यात्मिकता की ओर, ईश्वर की ओर, ज्ञान की ओर, वैराग्य की ओर, ध्यान उपासना की ओर बढ़ रहे हैं तो समझना हमारी उन्नति हो रही है। और अगर हम भौतिक गतिविधियों में लगे हैं, जैसे पहले थे वैसे ही सारा समय हमारा भौतिकता में, भौतिक गतिविधियों में लगा है, हमारी रुचि बिल्कुल भी ज्ञान में नहीं लगी, ध्यान में नहीं लगी, उपासना में नहीं लगी, ईश्वर में नहीं लगी, सत्य और असत्य का कुछ पता ही नहीं चला, तो समझना हमारी अवनति हो रही है। तो हमें अपनी उन्नति करनी है। ये मनुष्य शरीर ईश्वर ने हमें राजकुमार की तरह सुसज्जित करके, कितनी सारी विभूतियों से सुसज्जित किया है। आप ब्रह्मांड में कितने सारे 84 लोक योनियों को, पशुओं को देखिए, नभचर, थलचर, ये सारे पशुओं को देख लीजिए, योनियों को देख लीजिए, उनमें जो मनुष्य योनि को, मनुष्य शरीर में जो सुविधाएं हैं क्या उनमें हैं? तो ये जो अवसर मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हम सब बुद्धिमान मनुष्यों का यह परम कर्तव्य है कि हम उसका सही उपयोग करके अपनी उन्नति करें। जब मनुष्य अपनी उन्नति करेगा तब तो दूसरों की उन्नति कर पाएगा, जब स्वयं ही पतन की ओर जाएगा तब देखना मनुष्य का स्वभाव है, अगर वो उन्नति करेगा तो दूसरों को भी उन्नति की ओर ले जाएगा, अगर उसकी स्वयं का पतन हो रहा है तो वो 10 लोगों को और भी साथ ले जाएगा। वो नहीं चाहता कि मैं अकेला खाई में गिरूं, वो बोलता है कि मेरे साथ भी, मेरा भी गुट हो, मेरा भी ग्रुप हो, मैं भी अकेला ना गिरूं, मैं भी खुद तो गिरूंगा पर 10-20 को साथ लेके गिरूंगा। ये स्वभाव है मानव का, इसीलिए हमेशा अपनी उन्नति की ओर बढ़ने का उपाय, साधन आत्मलिंग निरीक्षण करना चाहिए। अब हम हमारे अपने मंत्र की ओर चलते हैं, जो मंत्र हमने कल लिया था, ऋग्वेद का मंत्र है, ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया अमानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्यः पिपलं सुवादु अति अन्नशन्नन्यः अभिचाक्षिति। अब प्रथम पंक्ति का हमने अच्छे से शब्दों का अर्थ कर दिया, अब जो नए जुड़े हैं तो थोड़ा सा उसका सार सुन ले। तो प्रथम पंक्ति का सार क्या है कि दो पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष में विराजमान है। अब दो पक्षी क्या है? एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा, ये दोनों इस शरीर रूपी वृक्ष में विद्यमान है
और वो दोनों को फिर आगे दूसरे शब्द में बताया कि इन दोनों को देखना है, आवश्यक है देखना, सुनना नहीं, उन दोनों को देखना अनिवार्य बताया, आवश्यक बताया, उन दोनों को देखना है। और फिर आगे का दूसरा शब्द क्या था, वो दोनों स्वयजा जुड़े हुए हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। कभी भी ईश्वर जीवात्मा से पृथक नहीं होता, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ता। फिर सिखाया ईश्वर क्या है, जीवात्मा का परम मित्र है। कैसा मित्र, मित्र भी कैसा, जो हर समय निठला नहीं बैठा, स्वार्थी नहीं है, हर समय जीवात्मा को सुझाव देता रहता है। जब जीवात्मा अच्छा विचार करता है तब उसको तुरंत प्रेरणा देता है, हाँ हाँ शाबाश ऐसा ही कर, ऐसा ही कर, उमंग देता है, उत्साह देता है, आनंद देता है, ऐसा ही कर, इससे तुम्हारा भी लाभ होगा और दूसरों का भी लाभ होगा। और जब जीवात्मा अशुभ विचार मात्र कर लेता है तभी से उसको सुझाव देता है, ना खबरदार ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं करते, इससे तुम्हें भी दुखाएगा, दूसरों को भी दुखाएगा और दंडाएगा, नहीं करना। तो ऐसा मित्र जो हमारे साथ, फिर क्या बताया पहली पंक्ति में, लाट में सर्वव्यापक है, अर्थात हम जीव जहां जहां जाता है, पृथ्वी के किसी भी कोने में पहुंच जाओ, किसी गुफा में पहुंच जाओ, पहाड़ पे, ईश्वर आपके साथ है, विद्यमान है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है, इसके लाभ ही लाभ है, पर इसमें चेतावनी भी है। जैसे एक पुलिस है, आप सोचो किसी भी मनुष्य के साथ पुलिस सरकार का, पुलिस का अधिकारी लगा है 24 घंटे इसका ध्यान रखना, क्या वो व्यक्ति कुछ भी गलत काम करेगा पुलिस के देखरेख में, पुलिस के समक्ष वो नहीं करेगा। तो ईश्वर पुलिसों का पुलिस, वो तो कितना दयावान, वो तो पहले से ही सुझाव दे देता है, संकेत कर देता है कि ना, उसने पहले से ही वेदों में वेद तो रची दिए, बता ही दिया कि सही क्या गलत क्या, एक तो पहले से बता दिया और फिर अंदर बैठ के भी बता रहा है, वेदों में तो बताया और ऊपर से अंदर बैठ के भी बता रहा है। बताओ ऐसा सखा आपको कहाँ मिलेगा। इसीलिए ईश्वर की महिमा अनंत करोड़ों युगों युगों तक भी मनुष्य गाता रहे पर वो उसका समापन नहीं कर सकता, इतनी ईश्वर की महिमा, ऐसा महान परमात्मा हमारे साथ है। अब ये बात जानकर तो मनुष्य कितना परम सुख, शांतिदायक, आनंददायक, आनंद प्रदाता, सबको सुख पहुंचाने वाला हो जाना चाहिए। अब आगे की दूसरी पंक्ति करेंगे तो दूसरी पंक्ति क्या है, द्वास पर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्यः पिपलम स्वादु, तयोर अन्यः, तयोह अन्यः, तयोह अर्थात इन दोनों में से। शब्दों का अर्थ सुनिएगा भैया, सब आंख खोल के ध्यान से सुने। तयोह का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति चल रही है, शब्दों का अर्थ, तयोह अर्थात इन दोनों में से, कौन दोनों, किसकी बात चल रही है, ध्यान से सी। तो इन दोनों में से तयोह अन्य, अन्य अन्य मतलब दूसरा एक, तयोर अन्य पिपलम स्वादु, तो ये जो पिपलम अर्थात ये जो शरीर, शरीर रूपी वृक्ष, पिपलम स्वादु, स्वादु अर्थात बहुत इच्छा पूर्ण, स्वाद ले लेकर अति अन्नशन्य, वो क्या करता है अति अर्थात खाता है। इसमें से जो एक जीवात्मा है वो इस ब्रह्मांड के, इस दुनिया के, प्रकृति के जो भी फल है वो स्वाद समझ के खाता है। स्वाद समझ के खाना अर्थात ये देखो प्रकृति के पांच विषय है ना, रूप रस शब्द गंध स्पर्श। अब ये जो पांच प्रकृति के विषय हैं वो बड़े आकर्षक हैं, इसमें आकर्षण तो बहुत है, सुख भी है, सुविधाएं भी है, पर आकर्षण भी है। तो वेदों के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर हमें वो ही सिखाता है कि हाँ इनमें बड़ा आकर्षण है प्रकृति के सारे चीजों में, पदार्थों में, पर तुम्हें आकर्षित नहीं होना, लोलुपता नहीं बनानी,
इच्छाएं नहीं कर, इनका मात्र सदुपयोग करना है। समन समन्वय अर्थात जितनी आवश्यकता उतना तुम इसका उपयोग करोगे तो यही प्रकृति के साधन तुमको मोक्ष तक ले जाएंगे। और अगर इनको अच्छे से नहीं समझे, इसका दुरुपयोग किए, इनमें लोलुपता रखी, आकर्षित हो गए इनके पीछे, सब भौतिक गतिविधियां हमेशा दिमाग में भौतिक गतिविधि चलती, अच्छा ये करूंगा, अच्छा ये करना है, अच्छा अरे क्या है, क्यों सारा दिन तुम्हें यही करना है ना, ये करना तो था, मना नहीं है। देखो 24 घंटे होते हैं ना, 8 घंटे ईश्वर ने कहा खूब सारा धन कमाओ, गतिविधियां करो, मना कहाँ किया है, 8 घंटा कमाओ ना, सारा दिन सोचो कैसे कमाऊं, क्या करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, सोचो 8 घंटा, सोचो 8 घंटा इस शरीर को विश्राम की आवश्यकता है, तो 8 घंटा विश्राम दो, बाकी 8 घंटा बच्चा आप लोग मनुष्य क्या करता है, वो भी इसी भौतिक गतिविधियों में ही व्यय कर देता है, खर्च कर देता है, तो उससे क्या हानि हो जाती है, उसकी आत्मिक उन्नति तो होती नहीं, वो जैसा कोरा आया था कोरा चला जाता है, और उसका आवागमन का चक्कर, ये जो आना जाना तो कभी समाप्त नहीं होगा, और वो बेचारा जब आना जाना लगा रहेगा तो दुखों से भी मुक्त नहीं हो पाएगा। दुखों से छूटने का तो एक ही उपाय है ना, कि इस शरीर को धारण ही न करे। तो शरीर का धारण करना कब बंद होगा, जब हम ईश्वर का ध्यान करके, ईश्वर की प्राप्ति करके स्वयं को जानेंगे। स्वयं को जानना पड़ता है, तो गतिविधि भौतिक गतिविधियों को रोकना है। 8 घंटे न सही तो कम से कम 1 घंटा इस सत्संग के लिए रखें ध्यान पूर्वक, और 1 घंटा घर में स्वाध्याय के लिए रखें ध्यान पूर्वक, और 1 घंटा उपासना के लिए। 3 घंटे तो आप कैसे भी डायरी में, इस डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, बस कि ये 3 घंटे चाहे दुनिया ऊपर नीचे नष्ट हो जाए, पर ये 3 घंटे मैं भौतिकता में नहीं व्यय करूंगा, नहीं खर्च करूंगा, बहुत हो चुका, मैंने जन्मों जन्मों से दुख सहा, अब नहीं सहूंगा, अब मैं इस दुखों से छूटना चाहता हूं, तो ये 3 घंटे मेरी आत्मा की उन्नति, अपने लिए, आत्मा अर्थात अपने लिए, हम अपने लिए तो कुछ करें, शरीर अपना नहीं है, ये मंत्र वही तो सिखा रहा है, शरीर तो भौतिक है, सेवक है, हम आत्मा, हमें अपने को स्वयं को जानना है। वापिस एक बार मंत्र सुन लेते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्यः पिपलम सुवादु अति अन्न शन्नन्यः अभिचाक्षिति। अति अन्न शन्नन्यः, अन्न शन्नन्यः, अन्न शन्नन्यः का अर्थ अन्य, अब दूसरा जो बच्चा अन्न शन्नन्यः, जो दूसरा है, दूसरा कौन है, दूसरा कौन चल रहा है मंत्र में, नहीं पर जीवात्मा की बात हो गई, अभी परमात्मा की बात है, देखो ध्यान नहीं दे रहे ना, दूसरा जो है अन्न शन्नन्य है, दूसरा अन्य जो है वो क्या करता है, अन्न शन्नन्य है, वो खाता नहीं है, अर्थात ये जो भौतिक पदार्थ जितने भी हैं वो ईश्वर के उपयोग के नहीं है, उसके काम के भी नहीं है, और वो भोगता भी नहीं है, इसलिए वो खाता भी नहीं, अर्थात वो भोगता नहीं है, ईश्वर भोगता नहीं है, जीवात्मा भोगता है, क्योंकि वो शुभ शुभ कर्म करता है, इसलिए उसको फल भोगना पड़ता है, ईश्वर तो कुछ ऐसा करता नहीं, इसलिए वो भोगता नहीं, वो क्या है, मात्र देखता है। अन्न शन्नन्य अभिचाक्षिति, और लास्ट क्या पद बताया, अभिचाक्षिति, अर्थात ईश्वर अंदर बैठ के देखता है, आंख मूंद करके ऐसे सो नहीं जाता, आया तो हूं पर सो जाऊंगा, नहीं वो सोता नहीं है, 24 घंटे जागता है, अभिचाक्षिति देखता है, जीवात्मा को 24 घंटे देखता है, उसकी रक्षा भी करता है, देखने का तात्पर्य ये नहीं है कि डंडा लेके बैठा है हर समय, वो तो हमारा माता पिता है, हमें प्यार करता है, मात्र दंड देने के लिए नहीं देखता, वो हमारी रक्षा करता है, रक्षा के लिए देखता है, वो हमें देखता है, अभी चाक्षिति, वो 24 घंटे जीवात्मा को देखता है, देखता रहता है कि हाँ इसकी रक्षा कैसे हो, ये सुरक्षित कैसे हो, और ये क्या कर रहा है, अब शुभ कर्म करता है तो उसको सुख देता है, और अशुभ कर्म करता है तो फिर उसको दंड देता है, दंड में भी उसकी कृपा छुपी है,
अगर दंड ना दे अशुभ कर्मों का तो जीव वो अशुभ कर्म करना छोड़ेगा ही नहीं। तो जब तक अशुभ कर्म छोड़ेगा नहीं तब तक तो उसको दुख की समाप्ति होगी नहीं ना, दुखों से वो छूटेगा नहीं। माता पिता क्या होते हैं, वो चाहते हैं मेरी संतान दुख से छूट जाए, प्रेम से, समझाने से, डांट से, फटकार से, सटाक लगाने से, चाहे जिस भाषा में जो बच्चा समझे माता पिता उसी भाषा का उपयोग करके उसको मार्ग पे लाता है। तो ईश्वर हमारा परम, अभी हमने भजन में क्या सुना, वो ही पिता है हमारा। तो वो यही चाहता है कि मैं इनको सत्य मार्ग पे ले आके अपने घर में वापस बुलाऊं। तो हमें ईश्वर के समक्ष मोक्ष की प्राप्ति, ये सारे मंत्र कितनी अच्छी अच्छी बातें। अब एक छोटा सा दृष्टांत, अभी समय है तो दृष्टांत करते हैं जिससे हमें समझ आएगा कि हमारी जीवात्मा की इतनी अच्छी वेद विद्या में भी रुचि क्यों नहीं बनती। तो एक वो दृष्टांत देते हैं, उपनिषद में ही बताया। दो चींटियां थी मित्र, ये सखा की बात चल रही है, दोनों चींटियां मित्र थी। एक चींटी नमक के पहाड़ पे रहती थी और दूसरी चींटी चीनी के शक्कर के पहाड़ पे रहती थी। तो एक चींटी जब दोनों मिलती है बोलती है मेरे को तो सारा दिन खारा खारा नमक खा खा के थक गई। दूसरी बोलती है अच्छा मेरे पास तो मीठा ही मीठा, अच्छा तू ऐसा कर कल मेरे पास आना, आमंत्रित करते तू मेरे पास आना, वहां हम मिलके रहते हैं। ठीक है, वो गई चींटी, नमक वाली चींटी शक्कर वाली के पास गई। वहां जाके जब वो बैठी और दोनों फिर बातें हुई तो बोली अच्छा तू तो बता रही थी कि मेरे पास शक्कर ही शक्कर है, ना तेरे पास कहाँ है मीठा, तेरे पास तो मेरे जैसा ही है खारा खारा नमक, तेरे पास भी तो वैसा है, फिर क्यों मुझे बुलाई। तो बोली अच्छा, वो समझदार थी, समझ के बोली मुंह खोल। मुंह खुलवाया उसका और अंदर उसके पहले से ही नमक की डली पड़ी हुई थी, जहां वो रहती थी उसकी नमक की डली उसके अंदर मुंह में पड़ी थी। बोली निकाल, थू कर दे इसको निकाल। उसने निकाला, बोली अब तू इसका इसको चख। तब उसको समझ में आया अर्थात ये बोध कथा है, इसका सार क्या है कि मनुष्य को जीवात्मा को इतना सुंदर वेदों का अमृत भरा ईश्वर का ज्ञान, उसमें रुचि क्यों नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि नमक की डली उसके मन में भौतिकता उसके मन में स्थापित है, भौतिकता जगत को उसने हृदय में बिठा दिया है। संसार को जो मनुष्य हृदय में बिठाएगा बताओ फिर उसको वेदों की विद्या में, विद्वानों में, सत्संग में रुचि, प्रेम, मान सम्मान, सत्कार कैसे बनेगा। वो नमक की डली निकालनी पड़ेगी ना, कुछ समय के लिए तो निकालिए, एक घंटे के लिए जब हम निकाल के यहाँ बैठेंगे तब तो इसका अमृत पान, वेदों का ज्ञान अमृत पान है, ऐसा अमृत जो कहीं भी नहीं मिलता। ये अमृत पान का रस उस व्यक्ति को आता है जो व्यक्ति भौतिकता का, नमक का अर्थ है भौतिकता, भौतिक गतिविधियां छोड़ देना, एकदम मन को एकाग्र करके श्रद्धा से, प्रेम से, सत्कार पूर्ण सुनते जाओ, देखो क्या ऐसा लगेगा कि वास्तव में अमृत मेरे हृदय में झर रहा है। करके तो देखो, एक बार कर देखो, ना लाभ मिले तो मुझे बताइए, करना तो स्वयं को पड़ेगा ना। वेद का ज्ञान पता है क्या करता है, सबसे अधिक लाभ मैं एक शब्द में बताऊं तो वेद का ज्ञान मनुष्य को अपना परम चिकित्सक बनाता है। चिकित्सक का अर्थ बताएं क्या होता है, चिकित्सक क्या करता है, चिकित्सक, हां जी चिकित्सक, हाँ चिकित्सक अर्थात चिकित्सक का काम क्या है, रोगों का निवारण करना, रोगों को हटाता है चिकित्सक। तो वेदों का ज्ञान सारे मनुष्यों को परम चिकित्सक बना देता है। अब जो व्यक्ति स्वयं का चिकित्सक है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जो मानसिक रोग, देखिए ईर्ष्या, अविद्या, अभिमान, भेदभाव, पक्षपात और ये सारा समय भौतिक गतिविधियां, ये सब क्या है, ये रोग है, ये मानसिक रोग लगे हैं।
तो जो वेदों का ज्ञान ध्यान पूर्वक सुनता है वो स्वयं का चिकित्सक बन जाता है, क्योंकि शरीर की चिकित्सा तो दवाखानों में हॉस्पिटलों में डॉक्टर कर पाएगा, पर मानसिक रोग तो स्वयं चिकित्सक बन के जब तक नहीं नष्ट करेगा स्वयं व्यक्ति, तब तक ईश्वर कहता है ना मैं भी नहीं कर पाता, मैं अंदर 24 घंटे बैठा हूं तो भी मैं कहां कर पाता हूं, मैं कहां किसी का हाथ पकड़ के उसको दोषों से रोक सकता हूं। लोग इतने गलत विधियां करते हैं, गतिविधियां सब देखते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो क्या ईश्वर नहीं दिख रहा? तो वो देखता है फिर भी उसका हाथ कहाँ पकड़ता है, क्यों? क्योंकि आत्मा जीवात्मा स्वतंत्र है ना, मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने में। ईश्वर कहता है तू स्वतंत्र है, मैंने तुम्हें सुझाव दिया, संकेत दिया, चेतावनी दी, पर तू नहीं समझता, तो तेरी मर्जी, तू कर, मैं देख रहा हूँ, तू सही करेगा सुख पाएगा, गलत करेगा तो फिर उसका दुख दंड भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सबको परम चिकित्सक, हम सब स्वयं, और कितना सुंदर महर्षि दयानंद सरस्वती का तो हम जितना भी उपकार माने कम है, कितने सुंदर स्थान आर्य समाज, ऐसा आर्य समाज की स्थापना की, ऐसा ज्ञान सच बताओ कहाँ मिलेगा? अलग अलग विद्वान आके बिचारे अपनी अलग अलग अपनी अनुभूतियों अपनी अपनी जो भी उनकी युक्तियां है किस प्रकार से समझाते हैं, ये हमारा कितना सौभाग्य है, उस सौभाग्य का हम सदुपयोग करके हम अपनी उन्नति करें। कल हम दूसरा मंत्र करेंगे। ओ शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सब वेद विद्या से स्वयं भी जुड़े औरों को भी जोड़े, अपना भी लाभ उन्नति करें, दूसरों को भी लाभ दे। धन्यवाद।